लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बड़े पापा, कितना चाहोगे जो आप आगे? बेटे, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम कहाँ गई थी? मुझे पता ही नहीं था कि आप आ जाने वाले। बेटे, हम कब आते हैं और कब जाते हैं ये तो तकदीर बनाने वाले को भी मालूम नहीं। ओ मंधारी, आसमान में बिजली कड़के और धरती पर चमक ना हो ये तो हो ही नहीं सकता राजेश्वर। गांव का बच्चा बच्चा जान गया है कि ठाकुर राजेश्वर सिंह आ चुका है। आओ मंधारी आओ। हर बरस एक एक दिन गिन गिन कर इंतजार कर रहा था तुम्हारा मंधारी। काश कि तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत की नींद से उठकर चले आते। दुनिया जानती है कि जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं और जब दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है। देखो, एक छोटी सी भेंट लाया हूं तुम्हारे लिए जो शायद तुम्हें कुछ याद दिला सके। इमली का बूटा, बेरी का पेड़। बस अब फैसला तुम्हारे हाथ में राजेश्वर, या तो इस तस्वीर को उठाकर चूम लो या हम अपना फैसला एक शर्त पर सुनाएंगे मंधारी। अगर तुम हमारा फैसला बी सिंह तक सही सही पहुंचा दोगे तो तुम्हारी शर्त मेरा वादा है। और हमारे बीच एक ही सौदा हो सकता है, मौत का। कौन से पूछ के गए थे तुम उधर? कौन तेरे मशवरा दिया रहा उधर जाने का? जरूरत आ पड़ी तेरे को जान की? आखिरी उम्मीद लेकर गया था मंधारी ऊ के पास, इस सोच के कि 14 साल में ऊ का माथा थोड़ा तो ठंडा हुआ होगा। 14 साल बोले? अरे 114 साल भी अगर गुजर जाए ना तो का माथा ठंडा होने वाला नहीं। कोई जानवर का जानवर रहेगा वो। माल के बीच में लकड़ी के चौकटे में बनी तस्वीर के ऊपर तलवार चलाया वो। अरे तेरे तो क्या करना था? और अजय सर, अगर तेरी इतनी गर्मी है ना तो घर के बाहर निकल, मैदान में आ, सामने खड़ा मिलेगा तेरे दादा वीर, फिर तेरे जिगरा होए तो तू चला तलवार। शिव कसम, दादा वीर अगर एक उंगली उठा दे ना मंधारी, एक उंगली उठा दे दादा वीर तो सनातनपुर का एक एक जर्रा बारूद बन के गिरेगा पाली नगर के ऊपर। अरे ईट से ईट बच जाएगी, सपाट होके रह जाएगा। दादा वीर छोड़, दादा वीर ना कटा दी मेरी तन्ने वहां जाके। अब दिख लेना तू, अरे जमीन पे पैर तो टिकना ही नहीं उसका, वो तो बस आसमान पे घूमता फिरेगा आकाश के अंदर। हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए वीर सिंह। और तन्ने देखकर कोई खास परेशानी हमको भी ना हुई। वही पुराना रंग, वही ढंग, वही मिजाज, वही घमंड। वो तो था और है और हमेशा रहेगा। वो रहे न रहे पर एक फर्क तो आ गया जरूर राजेश्वर। वो जो तू आसमानों पे उड़ता फिरे था ना, आज तेरे पैर जमीन पर लग गए। राजेश्वर जमीन पर रहकर भी आसमान में उड़ता है वीर सिंह। समझ गया। हाँ तो दिखा अपनी उड़ान अब, जो खड़ा तू और जो खड़ा मैं।
और जरा बीच में पिस्तौल। उठाए पिस्तौल और चला गोली मुझ पर, निकाल ले तो अपने दिल के अरमान। मैं तेरे सामने खड़ा हूं। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। बंदूक तेरी, गोली भी तेरी, दिन तारीख भी तेरा, सुबह बोले सुबह, शाम का शाम। आवाज दे तू, वीर सिंह तेरे को सामने खड़ा मिलेगा। तुम्हें तो वक्त लाएगा वीर सिंह, आज वक्त तुम्हारा है, सेना तुम्हारी है। आज तो हमें सिर्फ ये देखना है कि ठाकुर राजेश्वर के सीने पर पहली गोली कौन चलाता है। साहब के जहर के हाथों तेरी मौत ना होने की राजेश्वर, जहां पे तू खड़ा है ना राजेश्वर, इस धरती पे अनाज बोया जाता है, फसलें काटी जाती हैं, निहत्ते आदमियों का खून बहा के इस धरती को नापाक हमने नहीं होने देना। अच्छा हुआ कर्नल साहब आप आ गए। वीर सिंह से कहिए के शेर को सांप और बिच्छू काटा नहीं करते, दूर ही दूर से रेंगते हुए निकल जाते हैं और फिर सौदा जिंदगी बचाने का नहीं, जिंदगी तबाह करने का हुआ था और ये तबाही हो कर ही रहेगी। ये झूठ है पापा, सरासर झूठ। ये हमारे खानदान को बदनाम करने की नई साजिश है। अरे बदनाम को क्या बदनाम करना कच्चा बाबू, आज सारा गांव जान गया है कि तुम्हारे बेटे ने इस बूढ़े गरीब की बेटी से छिपकर शादी की और उसे ये निशानी दी और फिर राज खुल जाने पर उसकी हत्या कर दी। खबरदार, अगर हत्या का इल्जाम मेरे मासूम बेटे पर लगा तो। हत्या देखी है? अभी दिखा सकते हैं। एक लाश नहीं, 10, 50, 100 हजारों हजारों लाशें मिलेगी पूरे गाँव से। यू गॉट इट? इतना गुरूर है अपनी ताकत पर तो चला गोले और देख ले कि आज तेरा पूरा खानदान कैसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। चला गोले, चला। राजेश्वर, मेरे लगे तारे ये बेटे जो है ना, या तो ये अंधे हैं या फिर बहरे हैं। अंधे यूं हैं कि सामने वो आदमी उस बेचारी लड़की की लाश लिए खड़ा है, पर इनको वो लाश दिखाई ना देती, और वो बच्चा बिलक बुलक के रो रहा, पर इनके कन्ना में कोई आवाज ना पड़ती। वीर सिंह, हमारे बेटे अंधे नहीं हैं और बहरे भी नहीं हैं। अंधे इसलिए नहीं कि सारे तमाशे के पीछे छुपे तुम्हारे किसी नाटक को देख सकते हैं, और बहरे इसलिए नहीं कि इस बच्चे के रोने में वो किसी दुश्मन की आवाज सुन रहे हैं।
राजेश्वर जी, ये बात थारी मारी दुश्मनी कितना हो रही, ये बात हो रही इंसानी रिश्ते की, भीतर के जज्बात की बात हो रही। तो जज्बात की भीख सर उठाकर नहीं, सर झुका के मांगी जाती है वीर सिंह। राजेश्वर साहब, ये जज्बात हैं एक गरीब मासूम बच्चे के, जो आपसे अपने रिश्ते का हक मांगने आया है। और हक हक हमेशा सर झुका के नहीं, सर उठा के मांगा जाता है। और आप देख लेना, एक दिन ये बच्चा आएगा आपके सामने सर उठा के, और ये इसलिए आएगा कि इसकी मां के साथ बड़ा जुल्म हुआ, भारी बेवफाई हुई इसकी मां के साथ। चलो, आज तुम्हें बेवफाई का मतलब तो समझ आया। इस गांव का प्रधान बनने से पहले बेवफाई के प्रधान तुम्ही तो थे वीर सिंह। आज भी हमारी बहन पाली कांता की आत्मा इन पहाड़ों में भटकती है तुम्हारी बेवफाई के नाम से चीखती हुई। ये तुम्ही नहीं, सनातनपुर का इतिहास जानता है। तकदीर के हादसों से ना इतिहास नहीं बनता राजेश्वर। और पुराने जख्मों को अगर तुम खरीदोगे तो खून के फव्वारे फूट निकलेंगे राजेश्वर। शिव कसम, तलवारें म्यानों से बाहर निकल आएंगी। गरीब और मुफलिसों की छाती पर कदम रखने वाले तुम और तुम्हारे ये बेटे गरीब बेबस किसानों की जमीनों पर कब्जा करके अपनी जायदादें खड़ी करने वाले तुम लोग, वो तो भी इतिहास की बात करते हो। कत्ल के इल्जाम में तुमको अदालत में 14 साल की सजा दी ना, कम दी, कम दी। फांसी के तख्ते पर चढ़ा देना था, फांसी के तख्ते पर। वीर सिंह, कत्ल क्या था और कातिल कौन था, ये हमसे ज्यादा तुम जानते हो। और यही इतिहास की बात, ये ठाकुर राजेश्वर सिंह इतिहास बताता नहीं, इतिहास लिखता है, इतिहास बनाता है। और अब सुनो, इस ठाकुर का फैसला, ना ये बच्चा हमें कबूल है और ना कभी कबूल होगा। ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है राजेश्वर, तो फिर तुम हमारा फैसला भी सुन लो। आज के बाद ये मासूम बच्चा जो है, ये सनातनपुर में ही मेरे पास पल के बड़ा होगा, मेरे पास। लेकिन जिस दिन तक तू या तेरी औलाद इस बच्चे का हक कबूल नहीं करेगी, उस दिन तक हम तेरे घर में भी कोई शादी ब्याह नहीं होने देंगे राजेश्वर। माली नगर के किसी घर में कोई संतान परवान नहीं चढ़ने देंगे हम। कसम है मुझको मेरी और मेरे बच्चों की, कसम है मुझे सनातनपुर के हर बच्चे बूढ़े और जवान की, कसम है, कसम है, कसम है। अगर ऐसा कभी हुआ, जब कभी हुआ, तो वो सनातनपुर का आखिरी दिन होगा। किसकी इजाजत से भागे थे वहां से हथियार छोड़कर? इसलिए चाचा, क्योंकि अब मुझे आपके हथियार नहीं उठाने हैं। क्या? हाँ चाचा, आखिर क्या दिया इन हथियारों ने हमें? खून, लाशें, अनाथ बच्चे, विधवा औरतें। अरे मूर्ख, यही चीजें तो दी है पाली नगर वालों ने हमें, इसीलिए तो ये युद्ध है। लेकिन नहीं करना है मुझे युद्ध जो बदले की भावना में सदियों तक चलता रहे। ये बदला मेरे भैया का है, तुम्हारे बाबा का है। मेरे बाबा ने ये सब नहीं चाहता, वो तो दुश्मनों को नहीं दुश्मनी खत्म करना चाहते थे। तो फिर हम समझ लें कि तुम्हें युद्ध से इनकार है।
युद्ध तो महाभारत का भी हुआ था, कौन जीता था उसमें? हाँ बेटा ठीक ही बोले तू, कोई जीते या कोई हारे कार बन के तो नहीं न रह सकते हम। लेकिन दादू तेरिया बात सब सुन रही हूँ बेटे, जब तेरी उम्र का मैं था ना मुझे भी ऐसी बात करने का बड़ा शौक था, लेकिन आज मेरे आदर्श मुझे हथियार उठाने से मना कर रहे हैं दादू। गगन जब इसकी आत्मा ही नहीं मानती तो इसके हाथ क्या उठेंगे और गोली क्या चलाएगा, ये भेज दो इसके वापिस आचार्य जी के पास, इसको भेज दो। ये तो बहुत बढ़िया फैसला किया तुमने दादावीर, ये बात मैं तुमको बहुत पहले कहने वाला था। वो तो कही क्यों ना, कहना था ना। कर देर आए दुरुस्त आए, अब मैं तो कल जा रहा हूँ लाली पर्वत आचार्य जी के पास, तुम कहो तो छोड़ आऊ इसको भी उनके पास। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आचार्य जी के पास जाना और आचार्य जी को कहना कि जब हम लोग यहाँ लड़ मर लेना और सब खत्म हो जाए तब भेज दें अपने इस किशन को हमारे पास बंसी बजाने के लिए, अपनी सिट्टी बजाता फिरेगा इन पहाड़ियों में सिट्टी। साहब जी हॉल में पार्टी चल रही है, आप नहीं गए? तुम हमारे पास बैठे रहो, उस पार्टी में सब जाहिल इकट्ठे हैं, वहां हमारा क्या काम? क्या बताएं कृष्णा, किस किस को समझाएं? चलो अच्छा हुआ दीवानगी काम आ गई अपने। जे दीवानगी तो पागलपन का दूसरा नाम हो गया। इसका मतलब? इसका मतलब कि जिस बैरी की तू बात कर रही थी ना, ये राजेश्वर तो बचपन से ही पागल था। पर बड़े बाबा मांझी तो कह रहे थे कि आप दोनों बचपन के बहुत गहरे दोस्त थे। थे ना? बचपन था बेटी, बेवकूफ थे, अकल नहीं थी, समझ नहीं थी। तुम्हें कोई गाना आता है? जी हाँ एक आता है। कौन सा? जी वो इमली का बूटा बेरी का पेड़। सुनाओ साहब जी। तुम सोडा डालो। अब तो खाना लगा बेटी, और देख खाना लगाते समय ना दुश्मनों की बात नहीं करते। हाँ। तुम जो तस्वीर जोड़ रहे थे ना जिसकी, वो और हम ये गाना गाया करते थे। हाँ ये गाना। लेकिन मैंने तो सुना है वीर सिंह ने आपको पढ़ाया है। वीर सिंह ने राजेश्वर सिंह को पढ़ाया? उस जाहिल ने? अरे वो तो अब तक अपनी भाषा हिंदी नहीं बोल सकता ठीक तरह। वो कृष्णा वो स्कूल नहीं जाया करता था। स्कूल के अंदर नहीं बेटे, मैं तो स्कूल के बाहर खड़ा रहता था घंटों, इसका इंतजार करे था मैं। हाँ और रोज रात के गरम गरम दूध पिलाता था। अच्छा? ताकि इसके दिमाग में तरी रहे, ठंडक रहे, पढ़े ठीक तरह से, बराबर अच्छी तरह से जिंदगी में तरक्की करे, बड़ा आदमी बने। बन तो गया बड़ा आदमी, बड़ा सौदागर। पर फिर इसका इतना सा है, इतनी मोहब्बत थी हमें उससे, हम उसकी बैलगाड़ी को धक्का दिया करते थे, धक्का धक्का देते देते टांग तुड़वा ली थी हमने उस दिन। जब उसकी टांग टूट गई थी ना तो हमने भी अपनी टांग बनवा ली, पर हमने ले लिया था 7 दिन तक एक ही टांग पर टिक टिक खड़ा रहा। अच्छा? अरे वो दोस्ती क्या समझेगा, हम विदेश जाकर भी उसे नहीं भूले। राजू से राजेश्वर सिंह हो गया और ऐसा भी बदला कि बंदूक ही तान ले। बड़ा भयानक धोखा दिया उसने हमें, हमारी बहन पाली कांता ने उसकी वजह से आत्महत्या कर ली और बदले में उनने कैसा घाव दिया मुझे, मेरे जवान बेटे विशाल का खून करा दिया। विशाल की मौत के गम में शरीक होने गए थे हम और उसने हमें कत्ल के झूठे अल्जाम में जेल करवा दी। जेल? वो जेल का मैंने कराई थी, किसने बिछाया था वो जाल? घर में तो खुद ही पाल रखे हैं सांप और बिच्छू। एक बूंद पानी भी मांगेगा ना हमसे तो हम नहीं देंगे उसे, नहीं देंगे। गद्दार कहीं का, घमंडी, जाहिल, हट्टी,
कमार, पाखंडी, एक नंबर का पाखंडी। मैं बोलूं तो मैं तेरे राम कहानी क्यों सुना रहा हूं? देख बेटी, राधा बेटी, तू तो आपड़ी है ना जी? तो जज्बात है ना, वो उबलाती है बाहर, पर जब बात मैं सखी है ना, ये तेरे मेरे में ही रहनी चाहिए। ठीक है, किसी और को नहीं बताना, बिल्कुल नहीं। और बाकी वो जो है ना, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। यानी आप दोनों कभी नहीं मिल सकते साहब जी? कभी नहीं, कभी नहीं। अजय सर बाबू, दस्तखत करने के लिए सारी जिंदा उंगलियां चाहिए, नहीं तो गॉड कसम बुलेट काट देता थारे सीने में। अरे बलीराम के बच्चे, राजेश्वर की तो मुर्दा उंगलियां भी तेरी गोली को रोक लेंगी। चला गोली। पर राजेश्वर बाबू, इस सौदे में घाटा तो थारा ही है। बड़ा वह भी चुनिया, मिटा वह भी चुनिया, बड़ा हरामी है सारा चुनिया। 14 साल की तने जेल करा दी चुनिया ने मेरे हाथों, और तेरे पीछे से पाली नगर की जमीन का 1-1 इंच माइकल थापा को बेच खाया अपने हाथों। और राजेश्वर, तू तो रंग हो गया। अब दस्तखत करने में एक फायदा है, तेरी छोरी की इज्जत बच जाएगी, नहीं तो कोठे पे न जाऊंगा तेरी राधा को चम चम। बलिराम, रामजादे, तूने अपने गलीज गंदे मुंह से राजा का नाम लिया, मैं तेरा मुंह फाड़ कर दूंगा। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे, हट जाइए, हट जाइए बलिराम। छोड़ दो राजू, और छोड़ इसको, मर जाना इनने। वीरू, इसने राजा का नाम लिया, इसने हमारी सर पे हाथ डाला, बाजारी दिया ना उस कमीने कुत्ते को। हाँ, छोड़ दिया, भगा दिया उसके। वो तू क्या पागल हो गया राज? तेरे हाथों मारा जाएगा ना तो उसका तो काम हो जाना। और तेरा क्यों होना है, ये सोचा भाई साहब, तू अदालत के कटहरे में ना कातिल बन के खड़ा हो जाना है। अब फिर से वही रुसवाई, वही जेल की सलाखें, और 14 साल कैद बाबू शक्कर। ये नपुंसक कड़ी है सारे, ये दिलों के बीच में दीवार खड़ी करने वाले, ये तेरे दिल में जो नसूर बन के जहर दौड़ रहा है ना, ऊपर नीचे इधर उधर दौड़ रहा है, इसका बीज इन्होंने बोया है, इन्होंने बोया वो नफरत का बीज। भूल जाओ यार दादा वीर, जो हुआ सो हुआ, आओ दारू पियो यार, चीयर्स। होली की टोली आई। होली मुबारक हो सर। हाँ, थैंक यू शर्मा। आओ दादा वीर, हम सबसे पहले होली तुम्हारे साथ खेलेंगे। ना कर्नल साहब, दादा वीर के तो वर्षों हो गए होली ना खेली उनने। क्यों? बस मन ना किया तो ना खेली होली। मौत हुई थी किसी की? आप ऐसे ही समझ लो कर्नल साहब, ये कोई मर गया तो मेरा, मौत हो गई थी उसकी। ओहो, गुस्सा छोड़ो यार दादा वीर, होली प्यार का त्योहार होता है। मन ने किया ना, कुछ ही कर लो कर्नल साहब, पर मेरे ऊपर रंग ना फेंकना आ जाओ। हम फौजी लोग हैं, जबरदस्ती भी कर सकते हैं दादा वीर।
आज 35 साल से तो किसी की हिम्मत ना हुई जो जोर जबरदस्ती मेरे ऊपर रंग फेरता है। कनर, इस आदमी पर एक ही इंसान रंग फेंक सकता है।